हेलो फ्रेंड्स, मैं तारिशेक, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हम मौजूद है जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में फायरिंग। रेलवे सुरक्षा बल RPF के एक कांस्टेबल ने महाराष्ट्र में पालघर के पास सोमवार सुबह 5 बजे जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में अपने एस्कॉर्ट ड्यूटी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक टीकाराम मीना और अन्य 3 यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी कांस्टेबल की पहचान चेतन कुमार चौधरी के रूप में हुई है। इस मामले में आरोपी से पूछताछ चल रही है, साथ ही लगातार इस मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी चेतन कुमार ड्यूटी खत्म होने के बाद सूरत में उतर गया था, फिर 4 घंटे के ब्रेक के बाद वो मुंबई जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में ड्यूटी के लिए चढ़ा। ट्रेन के पालघर स्टेशन पार करने के दौरान ASI टीकाराम से कांस्टेबल चेतन कुमार का विवाद हो गया, यहां तक कि दोनों के बीच हाथापाई तक हुई। इसके बाद कांस्टेबल चेतन कुमार ने ASI टीकाराम मीना पर गोली चला दी। ट्रेन की चेन पुलिंग कर कूदे आरोपी ने ट्रेन में फायरिंग विरार से मीरा रोड स्टेशन के बीच की है। घटना को अंजाम देने के बाद चेतन कुमार ने भायंदर से दहिसर स्टेशन के बीच ट्रेन की चेन पुलिंग करके कूद कर भागने की कोशिश की, लेकिन भायंदर RPF ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ट्रेन के बोरीवली पहुंचने के बाद घटना में मृत सभी 4 शवों को उतारा गया और ट्रेन को मुंबई सेंट्रल के लिए रवाना किया गया है। अब पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर RPF के कांस्टेबल ने फायरिंग की तो क्यों की। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।